अब आपको खास जानकारी दिए देते हैं। इस समय चार धाम की यात्रा चल रही है। चार धाम की यात्रा पर आपको मोक्ष और पुण्य मिलेगा, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन धार्मिक स्थानों की यात्रा करने से पुण्य के अलावा और क्या लाभ मिलता है वो जानिए। देखिए, धार्मिक स्थान जो होते हैं और साथ साथ जो तीर्थों का स्थान होता है, वहाँ पर ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो ऊर्जा इन जगहों पर रहती है वो कहीं और नहीं पाई जाती। यही कारण है कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य का मन शांत और ऊर्जावान हो जाता है। इन स्थानों पर जाने वाला व्यक्ति हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भरा होता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इस जगह पर ये होता है कि वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। इन स्थानों पर सीढ़ियाँ होती हैं जिनके चढ़ने उतरने और भजन कीर्तन करने से, तालियाँ गाना साथ बजाने से तलवों पर दबाव पड़ता है जो एक्यू प्रेशर की तरह काम करता है। सेहत के साथ साथ तीर्थ यात्राओं से भौगोलिक ऐतिहासिक ज्ञान भी बढ़ता है, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ता है। यात्रा के दौरान कई जगहों का इतिहास और महत्व आप लोगों को पता चलता है, साथ ही उस जगह से जुड़ी आपकी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, इसके बारे में भी आपको ज्ञान मिलता है। नए संबंध तीर्थ यात्रा में अपने घर परिवार के अलावा भी अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, इससे जान पहचान में वृद्धि होती है। उस वजह से हम नई संस्कृति, नए खाने पीने के बारे में जानने का मौका मिलता है। साथ ही हर परिस्थिति में रहना और दूसरों के लिए अपनेपन का भाव सिखाता है। आज वट पूर्णिमा व्रत भी है। ये व्रत बहुत खास है। पूर्णिमा पर आपसे बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन पवित्र पूर्णिमा के मौके पर पहले वट पूर्णिमा व्रत की बात कर लेते हैं। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तो और भी पावन मानी जाती है। धार्मिक तौर पर पूर्णिमा को स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता यह है कि इस दिन गंगा स्नान से पूजा अर्चना करने पर दान दक्षिणा देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कुछ इलाकों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि वट सावित्री व्रत के समान ही होता है। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जैसे स्कंद पुराण के मुताबिक, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को रखा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में खासतौर से महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में ये ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व, ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान आदि के लिए तो महत्व है, साथ ही ये पूर्णिमा खास बात के लिए और जानी जाती है। देखिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए आज ही के दिन से बेसिकली गंगा जल लेकर शुरुआत करते हैं यात्रा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा व्रत पूजा विधि क्या है? ज्येष्ठ पूर्णिमा की, क्योंकि वट पूर्णिमा व्रत के रूपों में इसको मनाया जाता है, इसीलिए वट सावित्री व्रत पूजा विधि के अनुसार ही वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष के नीचे ही सुहागन जो फीमेल्स हैं, ये सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनती हैं। इस पूजा के लिए दो बांस की टोकरियां लेकर, एक में 7 तरीके का अनाज कपड़े के 2 टुकड़े से ढक कर रखा जाता है, वहीं दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है, जिसके साथ धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि की पूजा सामग्री भी रखते हैं। सावित्री माँ की पूजा कर वट वृक्ष की 7 चक्कर लगाते हुए मौली को धागे से बांधती हैं। इसके पश्चात व्रत कथा सुनते हैं। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। प्रसाद के रूप में चने और गुड़ को बांटा जाता है।